मित्रांनो, पार्टी करायची आहे तर मग चला ना सोलापूर बरोबरच विजापुरात प्रसिद्ध असलेल्या चाचा मच्छी ढाब्यावर। चाचा मच्छी ढाबा, विजापूर रोड, टाकळी, सोलापूर। संपर्क 97 64 66 495। आज बुधवार दिनांक 19 जुलै 2023 रोजी सकाळी 11 वाजता मल्टीपल कौन्सिल चेअरमन लाईन्स श्रवण कुमार, पूर्ण महाराष्ट्राचे चेअरमन व लाईन्स विजयकुमार राठी, माजी प्रांतपाल इचलकरंजी यांची लाईन्स आय हॉस्पिटल सोलापूरला अधिकृत भेट दिली। त्यावेळी त्यांनी हॉस्पिटलची पाहणी केली असून येथील रुग्ण तपासणी तसेच त्यावरील मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया मोफत आणि अल्पदरात करण्याचे पाहून त्यांनी हॉस्पिटलचे कौतुक केले। यावेळेस हॉस्पिटलचे उपाध्यक्ष अशोक मेहता, सचिव लाईन्स असद सैफन, महासचिव लाईन्स पानगावकर, खजिनदार लाईन्स रमेश जैन, राजेंद्र शहा, अप्पासाहेब कोतली, लाईन्स नरेंद्र गंभीरे, क्लबचे अध्यक्ष अमोल गावसणे आदी यावेळी हजर होते। याप्रसंगी हॉस्पिटलचे माजी प्रांतपाल अशोक मेहता यांनी हॉस्पिटलची सर्व माहिती सांगितली असून हॉस्पिटलचे आरएमओ डॉक्टर शिवाजी पाटील व त्यांचे कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली होती। दरम्यान लोकप्रधान न्यूज चॅनलशी बोलताना श्रावण कुमार यांनी काय माहिती दिली पाहुयात लोकप्रधान न्यूज चॅनलचे पत्रकार गफूर सौदागर यांच्या बातमीपत्रातून। सोलापुर आई हॉस्पिटल एक चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जो हॉस्पिटल चला रहे हैं इसे वंडरफुल एकदम जबरदस्त हॉस्पिटल यहाँ पे है। 22,000 ऑपरेशन अभी तक हो चुके हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। मुझे लगता है कि हमारा जो लायंस क्लब इंटरनेशनल का जो मेन उद्देश्य जो है तो वी सर्व में हम लोग विजन पे काम करते हैं। विजन हम इसे साइट फर्स्ट के नाम पे पूरा विश्व में हमारा काम करने का एक नाम है साइट फर्स्ट, यानी लोगों का विजन जो है आँखों का जो रोशनी के लिए हम लोग काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1926 में जब इंटरनेशनल कन्वेंशन में हमने एक अमेरिका का बहुत ही प्रसिद्ध महिला जो अंध निर्मूलन के लिए वहाँ पे काम करती है अमेरिका में, जिनका नाम है हेलेन केलर, तो पूरा विश्व में लोग उन्हें जानते हैं। जब वो हमारे कॉन्फ्रेंस में आई उस वक्त उन्होंने हमें एक चैलेंज दिया था, क्या आप हमारे जितने भी जो नेत्रहीन बंधु हैं उनके लिए काम करोगे। नाइट्स ऑफ ब्लाइंड उन्होंने हमें उपाधि दिया, हमने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। तो यूँ समझिए 1925-26 से लेके आज तक तकरीबन आज वी आर अबाउट नियरली 100 ईयर्स के आसपास हो रहा है, हम साइट फर्स्ट के नाम पे, विजन के नाम पे इस अंध निर्मूलन के लिए, अंधों के जो मतलब जो ब्लाइंड पीपल है इनके लिए हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, विजन पे काम कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल हमारे अशोक भाई और उनके जो क्लब के माध्यम से जो चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जो हॉस्पिटल यहाँ पे जो चल रहा है पिछले 10-12 साल से, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल प्रोजेक्ट है। बहुत मज़ा आता है इसे सुन के, क्योंकि लायंस और लायंस क्लब होने का यही परमार्थ है कि हम जो सेवा करना चाहते हैं समाज तक जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है हमारा जो मिशन जो है विजन का यहाँ पे अकम्प्लिशमेंट हुआ है। बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा असद भाई, आप बिल्कुल आगे बढ़कर बहुत काम करते हैं। अभी जैसे मैं सुन रहा था उनके परिवार के, उन्हीं के पुत्र जो है एक मेडिकल डॉक्टर है, तो उनको भी छोड़े नहीं, वो बीच बीच में उनको बुला के उनको भी कंसल्टेंसी आके देते। तो देखिए लाइन्स से जो मल्टीपल वेज में जो काम हो सकते हैं इस हॉस्पिटल को मिल रहा है,
बहुत ही अभिनंदनीय काम है। बहुत बहुत पुनः एक बार मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगा कि ऐसे जगह पे मुझे आप आज इनवाइट किए हैं। दो शब्द मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि हम लोग हमारे समाज में एक बहुत बड़ा उदाहरण रखे हैं। जो लोग आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ज़्यादा बिलीफ लायंस के हॉस्पिटल कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।